वेलकम बैक गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 10 का सलूशन, जिसमें था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सी प्रोग्राम। तो मैं आपको समझाता हूँ कि सी लैंग्वेज में आप किस तरह मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, मैं कहता हूँ मेरे पास एक है एम मल्टीप्लाई बाय एन, ठीक है, जो ये है, और एक मेरे पास है एन मल्टीप्लाई बाय पी, ठीक है, ये है मेरे पास, ये दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। इसको मैं ए कह देता हूँ, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ठीक है। तो ये दोनों कब मल्टीप्लाई होंगे, जब ये दोनों डायमेंशनली कंपैटिबल होंगे। और ये डायमेंशनली कंपैटिबल कब होंगे, जब मेरा ये इसका ये वाला एन और इसका ये दोनों सेम होंगे। यानी मान लो मेरा ये वाला जो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, और ये है 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसके अंदर दो कॉलम्स होंगे और 3 रोज होंगी। यानी आपका मैट्रिक्स कंपैटिबल तब होगा डायमेंशनली, जब इस वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इस वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं इधर हम छोटा मैट्रिक्स लेते हैं, मैं कहता हूँ ये मेरा ए है, ए ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, ये है। इधर मैं कह देता हूँ ये मेरा बी है, और ये क्या है, ये भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, ठीक है। अब इसमें मैं कहता हूँ ये मेरा होगा ए 0 0, ठीक है। हम ये एम एन को देख रहे हैं, ये मेरा 0 0 होगा, ये मेरा कितना होगा ए 0, और इधर मेरा एन माइनस वन होगा। एन माइनस वन क्यों होगा, क्योंकि ये मैंने 0 0 कहा। अगर मैं इधर ए 1 1 कहूँ, इसको मैं ए 1 1 कहूँ, और इधर मैं ए 0 n कहूँ, ए 1 n कहूँ, और इधर मैं कहता हूँ ए एम 1, और इधर मैं कहता हूँ ए एम एन। यानी ये मेरा 1 1 है, यहाँ पर मेरा कॉलम 1 ही है, जो रो है वो 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 मैंने इसको 2 बाय 2 लिया। तो इधर वो क्या होगा, इधर मेरी जो कॉलम है वो 2 हो जाएगा, जो रो है वो 1 ही है, ये रो हमारी 1 ही है, इधर हमारी 2 रो है, तो इधर हमारी रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है। ये देखें हमारा दूसरा कॉलम है, ये हमारी दूसरी रो है। तो इसी तरह हमारा बी का भी सेम इसी तरह होगा, बी 1 1, यानी पहला मेरा जो क्या है, पहला मेरा कॉलम है और दूसरे वाला जो नंबर है ये रो का है। इधर फिर मैं लिखूंगा बी 1 n, फिर बी एम 1, फिर बी एम, ये मेरे से थोड़ी गलती होगी, ये मेरा पी है, इधर ये हमने n मल्टीप्लाई बाय पी किया, तो इधर मेरा n 1 होगा और इधर मेरा क्या होगा n पी। अब मेरे जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये किस तरह होंगे, ये मान लो ये मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। अब जब मेरे दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये वाला इसकी रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। पहले इसका ये इस तरह होगा ए 1 1, बी 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये दोनों प्लस होंगे, फिर मेरा ये क्या है ए 1 n, ए 1 n, ये मल्टीप्लाई होगा बी एन 1 से, बी एन 1, फिर इसी तरह मेरी ये वाली रो इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ए 1 0 किससे होगा, ए 1 1 किससे होगा, ए 1 1, ये होगा ए, ये होगा बी 1 p से, ठीक है, फिर प्लस ए 1 n, ए 1 n, ये किससे होगा बी एन पी से, बी एन पी। यानी आपको बात की समझ आ गई है, मेरी पहले ये वाली जो रो है ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर यही वाली रो इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर इसी तरह ये वाली रो इससे मल्टीप्लाई होगी तो इधर आएगा, फिर ये वाली रो इससे मल्टीप्लाई होगी तो हमारा आंसर इधर आएगा। तो ये हमारा थोड़ा सा मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको मैट्रिक्स का नहीं पता तो आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको मैट्रिक्स का पता होना लाजमी है। ठीक
ठीक है, क्योंकि हम कर ही मैट्रिक्स के बारे में रहे हैं। तो चलो हम अपनी एक्सरसाइज देख लेते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, C61.c, एंटर। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, सेव। ठीक है, इधर हम क्या करते हैं, इधर मैं अपना मेन टूल लगा लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, मैं इधर लिखता हूँ इंट, मैं इधर m कॉमा n कॉमा, फिर हम इसको कहते हैं सम इज इक्वल टू 0। ये मैंने इधर तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इनको। अब मैं इधर करता हूँ, मैं अपने दो मैट्रिक्स डिफाइन कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ ए, और इसको मैं कह देता हूँ 3, और फिर मैं इसको कहता हूँ 4। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूँ कोमा लगा के मैं इधर आगे लिखता हूँ बी, और इसको मैं कहता हूँ 4, और इधर मैं इसको कहता हूँ 2। अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना, आपका जो ए है उसका नंबर ऑफ रोज, क्योंकि पहले नंबर ऑफ कॉलम आता है फिर बाद में नंबर ऑफ रोज आता है, आपने ध्यान रखना है आपके ए का नंबर ऑफ रोज बी के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, बाकी ये दोनों चेंज हो सकते हैं। आपका 3 और जो 2 मैंने लिखा है ये आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपका जो ए का नंबर ऑफ रो है और बी का जो नंबर ऑफ कॉलम है ये दोनों आपने सेम रखने हैं। तो इसी के साथ मैं इधर आगे एक रिजल्ट, इधर मैं एक रिजल्ट के नाम से भी बना लेता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ ये हमारा होगा किसका, इसका 3/2 का होगा। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट 3/2 का होगा। तो मैं इसको सेमीकोलन लगाता हूँ, और इधर मैं लिखता हूँ नीचे प्रिंट एफ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ एंटर द फर्स्ट मैट्रिक्स, एंटर द फर्स्ट मैट्रिक्स। यहाँ पर मेरे से थोड़ी गलती होगी, मैंने डबल कोट लगाने थे, इधर भी ऐसे ही है, इधर भी हमने डबल कोट लगाने थे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इधर लगाता हूँ अपना बैक स्लैश एन लगा के मैं इधर सेमी कोलन लगा देता हूँ। नीचे मैं एक फॉर लूप लगा लेता हूँ, फॉर लूप, इसको मैं कहता हूँ इंट आई इज इक्वल टू 0, और इसको मैं कह देता हूँ हमारा कितना था, ये हमारा 3 था, तो इसको हम लेस देन 3 रखते हैं। ठीक है, और इसी तरह इसके अंदर भी मैं एक और फॉर लूप लगा लेता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ फॉर, और इसको भी मैं इंट कहता हूँ, और इसको हम जे कर लेते हैं, तो इसको भी मैं जे कर लेता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ ये कितना होना चाहिए, ये मेरा 4 होना चाहिए, क्योंकि मेरा 3/4 का है तो ये मेरा 4 होना चाहिए, और इसी तरह इसको भी मैं जे कर लेता हूँ, और नीचे इसको मैं कहता हूँ, इधर मैं सिंपली करता हूँ, क्योंकि मैं इधर हमने कहा एंटर द फर्स्ट मैट्रिक्स, तो इधर हमने क्या लेना, इनपुट लेना, तो मैं इधर लिखता हूँ स्कैन एफ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ परसेंटेज डी, और इधर मैं लिखता हूँ कोमा, और एम परसेंट ए, और ये हमारा ए, और इसके अंदर मैं देता हूँ आई, और इसके अंदर मैं क्या देता हूँ जे, और इससे पहले मैं इधर लिख लेता हूँ प्रिंट एफ, और इसके ऊपर हम लिख लेते हैं, मैं इधर लिखता हूँ एंटर दी परसेंटेज डी, फिर मैं कहता हूँ परसेंटेज डी, इसके बीच मैं स्पेस दे देता हूँ परसेंटेज डी, और इधर मैं लिखता हूँ एलिमेंट ऑफ दी, ये देखें फिर इधर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, और इधर मैं लिखता हूँ बैक स्लैश एन, और इधर ये हमसे फिर इधर मैंने डबल कोट फिर नहीं लगाया, इधर मैं फिर डबल कोट लगा लेता हूँ डबल कोट, और इधर मैं लिखता हूँ बाहर कोमा आई कोमा जे, ठीक है, और कोमा जे, और इधर मैं लगा लेता हूँ सेमी कोलन। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को यहाँ से करता हूँ कॉपी, और इधर मैं नीचे इसको कर देता हूँ पेस्ट, और इधर मैं इसको करता हूँ सेकंड, इधर मैं इसको सेकंड कर देता हूँ, और इधर हमारा ये क्या था, ये हमारा इधर 4 था, इधर हमारा नंबर ऑफ कॉलम कितना है 4 है, इधर हमारा नंबर ऑफ रो कितना है 2 है, तो इसको मैं इसी तरह नंबर ऑफ 2 कर देता हूँ, और इधर हम कर देते हैं इसको एम्परसेंट बी। ठीक है, और इधर मुझे फिर एक और लगाना पड़ेगा फॉर लूप, ये फॉर लूप मुझे रिजल्ट मैट्रिक्स के लिए लगाना पड़ेगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ, और नीचे मैं इधर आता हूँ, इसको मैं इधर पेस्ट करता हूँ, और अब मैं क्या करता हूँ, इसको हम कर देते हैं 3, क्योंकि हमारा 3/2 था, तो मैं इसको कर देता हूँ 3, और ये हमारा 2 ही रहेगा। अब इसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह पे मैं इसको करता हूँ डिलीट, इधर मैं लिखता हूँ
कैलकुलेट द रिजल्ट, ठीक है। और इधर मैं नीचे का लिखता हूँ, ये मैंने कैलकुलेट द रिजल्ट इसलिए लिखा ताकि हमें पता चल जाए कि हम इधर रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इधर मैं एक और फॉर लूप लगाता हूँ, इधर इस फॉर लूप के अंदर मैं लिखता हूँ इंट, और इसको मैं कह देता हूँ के, और इसको फिर मैं के कह देता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ ये हमारा कितना होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए लेस देन फोर, ठीक है, क्योंकि हमारा रोज फोर तक है, ठीक है। अब इसके अंदर इधर मैं क्या लिखता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ सिंपल, इधर मैं लिखता हूँ सम, ठीक है, सम और प्लस इज इक्वल टू ए, और इसके अंदर हम लिखते हैं आई, इधर मैं लिखता हूँ के, ठीक है। फिर मैं इधर लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय बी, और बी में कहता हूँ के, और इधर मैं इसको कहता हूँ जे, ठीक है। इसी तरह मैं इधर सेमीकोलन लगा लेता हूँ, सेमीकोलन लगाने के बाद हम क्या करते हैं, इधर मैं नीचे लिख देता हूँ रिजल्ट, और इसको मैं कह देता हूँ जो हमने ऊपर एक रिजल्ट वेक्टर भी बनाया था, इधर मैं आई कहता हूँ, और इधर मैं कहता हूँ जे, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ इज इक्वल टू सम के इक्वल, यानी जो हमारा उसका सम आए वो मेरे इस वाले मैट्रिक्स के इस वाले एलिमेंट में चला जाए। तो इसको मैं इधर सेमीकोलन लगा देता हूँ, उसके बाद मैं इधर लिखता हूँ सम इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने इसको जीरो क्यों किया, क्योंकि अगर मैं जीरो नहीं करूंगा तो वहां से ही दोबारा उसमें ऐड होता जाएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे जीरो कर दिया, फिर वो दोबारा से कैलकुलेट करेगा, फिर यहाँ पर दोबारा इसको जीरो कर देगा। तो अब हम क्या करते हैं, तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, वो कह रहा है एंटर दी जीरो जीरो मैट्रिक्स, इधर मैं करता हूँ टू थ्री टू, तो ये हम अपना एक बार रिजल्ट भी प्रिंट करा लेते हैं। मैं इधर नीचे जाता हूँ और इधर मैं इसको कहता हूँ प्रिंट दी रिजल्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इधर एक और फॉर लूप लगा लेते हैं, इसी फॉर लूप को मैं करता हूँ कॉपी कॉपी, इधर मैं इसको करता हूँ पेस्ट। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को नहीं छेड़ना, हम इसकी जगह पे करते हैं, इधर मैं करता हूँ प्रिंट दी रिजल्ट, ठीक है, और इधर नीचे मैं सिंपल क्या कर देता हूँ, इधर मैं कहता हूँ प्रिंट एफ, और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, मैं कहता हूँ परसेंटेज डी बैक स्लैश, अच्छा अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बैक स्लैश टी करेंगे, बैक स्लैश टी किस लिए था, उनके दरमियान फासला रखने के लिए, टैब के लिए। तो और इधर मैं कोमा डाल के, इधर मैं करता हूँ ये मेरे, इधर मैं कोमा डाल के आगे लिखता हूँ रिजल्ट रिजल्ट, और इसके अंदर हम लिखते हैं आई, और आगे मैं लिखता हूँ जे, ठीक है, और इधर मैं लगा देता हूँ सेमी कोलन, ठीक है, और इसी तरह इन दोनों को हम खत्म कर देते हैं, इन दोनों को मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है, और इसके आगे मैं इधर लिख देता हूँ प्रिंट एफ, और इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ बैक स्लैश एन, और इधर बाहर मैं लगा देता हूँ सेमी कॉलन। इसको हम कर लेते हैं एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, अब हम इसको रन करते हैं, तो एंटर योर, हम एंटर करते हैं, ये क्या हुआ, तो यहां पर मैं इसको कर लेता हूं सेकंड मैट्रिक्स सेकंड, ठीक है, और इसी तरह हमारा, हमारे प्रोग्राम में जो प्रॉब्लम आ रहा था हमारा, वो रिजल्ट शो नहीं कर रहा, वो इस जैसे नहीं कर रहा, इधर मैंने आई लिखा था, इधर के लिखना था। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ, तो इधर मैं लिखता हूँ ना जीरो 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 वन, ये सारे मैं वन वन से लिख रहा हूँ, ठीक है, और इधर मैं टू लिखता हूँ फिर से, इसको हम फिर एक बार रन करके देख लेते हैं, मैं इधर टू लिखता हूँ फिर थ्री फिर टू, तो ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है, ये हमें बिल्कुल सही आंसर दे रहा है, ये देखें ये मल्टीप्लाई करके हमें आंसर दे रहा है। तो ये था हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सलूशन।
अब हमारा ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये वाली जो हमारी एक्सरसाइज थी, ये जरा मैथमेटिकल हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपको जरा मैथ का लॉजिक इधर बीच में आया था, तो ये इस वजह से थोड़ी सी ना आपको घुमा सकती है जरा। तो मुश्किल अगर आपको मैथ आता, आप मैथ में अच्छे हैं, तो आपके लिए मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।